जिनवा थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिसके संबंध में सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद ने बताया कि सहजनवा थाने की पुलिस ने 5 अभियुक्तों के ऊपर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया है, जिनकी पहचान अरविंद यादव पुत्र इंद्रजीत यादव उर्फ इनरमन यादव निवासी माधोपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, दूसरा शिव प्रताप यादव पुत्र स्वर्गीय रामदर्श यादव निवासी नरौली थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, तीसरा प्रतीक उर्फ प्रिंस पांडे निवासी ग्राम डोहरिया कला थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, चौथा प्रेम यादव पुत्र स्वर्गीय गुलाब यादव निवासी माधोपुर थाना सहजनवा जनपद गोरखपुर, पांचवा अनिकेत शर्मा पुत्र सुरेश निवासी नंदा नगर दरगहिया रेलवे लाइन के किनारे थाना शाहपुर गोरखपुर के रूप में हुई है। सीओ कैंपियरगंज ने बताया कि 5 अभियुक्त लोगों से रंगदारी मांगते थे, इसके अलावा अवैध शस्त्र रखते थे, जिनके ऊपर प्रभावी नियंत्रण लगाने के लिए जिलाधिकारी के निर्देश पर गैंगस्टर का मुकदमा दर्ज किया गया है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीओ कैंपियरगंज श्याम देवबिंद ने कहा, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा अपराधियों पर प्रभावी रोकथाम के लिए चलाए गए अभियान के तहत आज थाना सहजनवा पुलिस द्वारा 5 शातिर अपराधियों के ऊपर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है, जिसमें गैंग लीडर अरविंद यादव और उसके 4 साथी हैं, जो रंगदारी हत्या के प्रयास इत्यादि तमाम मुकदमे जिनके ऊपर हैं और जो फरार चल रहे हैं जमानत पर छूटने के बाद, उनके ऊपर आज गैंगस्टर अधिनियम के तहत थाना सहजनवा पर मुकदमा पंजीकृत हुआ है।